यार चुप बैठो। मैं चाहता हूँ कि हम सब होटल व रेस्टोरेंट का स्टाफ हैं, हम सब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें मजबूरन और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए करनी पड़ रही है। मैं सभी मीडिया वालों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए और हमारी बातों को आगे पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ध्यानपूर्वक समझे। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा कोविड इंस्ट्रक्शंस को लेके, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार संडे, गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो संडे और सैटरडे को लेके बनाई गई हैं 25% का गैदरिंग, पर उस पर भी सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद जो दिन बचते हैं उस पर 25% सीटिंग की परमिशन। पहले तो गवर्नमेंट एक आदेश निकालती है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उसकी टाइमिंग 10 बजे तक होगी, वो तो हमने ठीक समझा, उसके बाद 9 बजे, पर सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन और उसके बाद 25% गैदरिंग। अगर जो हमारा अच्छा भला देखते हैं तो ये देखने के लिए बैठे हैं वो क्या सोचते हैं कि हम शटर खोलते हैं और हमारे पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि पूरे टाउन में सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पे क्या बीत रही है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर, अगर काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमें सैलरी कैसे पे करेगा। जब से कोविड स्टार्ट हुआ इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हुई हैं तो वो है होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री। क्या किसी ने सोचा है या हमारे से पूछा है कि हम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि रेस्टोरेंट का जो काम है, जो ऑपरेशन है, वो इवनिंग में रहता है, डिनर ऑपरेशन रहता है, ज़्यादा रहता है, 75% बिजनेस होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट एंड लंच। और आप सब लोग भी पूरा दिन काम करते हैं, जब इवनिंग में फ्री होते हैं तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में जाते हैं। अगर ये सब एंट्रीज ही बंद होंगी तो